वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है, लेकिन इससे दो दिन पहले यानी चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। छठ का पहला अर्ध्य षष्ठी तिथि को दिया जाता है। यह अर्ध्य अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है। इस समय जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्ध्य दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम प्रत्युषा है और ये अर्ध्य उन्हीं को दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड में पूर्वांचल के सबसे बड़े संगठन बिहारी महासभा चार दिन का छठ महापर्व मना रही है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए बिहारी महासभा छठ के अवसर पर उनकी सकुशलता वापसी के लिए पूजा अर्चना करेगा। सिलक्यारा टनल में जिंदगियां और मौत से लड़ रहे मजदूरों के लिए छठ मैया से विशेष प्रार्थना एवं आराधना की जाएगी। छठ पर्व का महत्व है कि देखिए सूर्य भगवान जो है हमारे देवताओं में प्रत्यक्ष दिखने वाले देवताओं में हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं और जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, रोशनी प्राप्त करते हैं। बहुत सारा है माताएं बहनों को संतान, जो निसंतान माताएं बहनें हैं वो संतान उत्पत्ति के लिए सूर्य उपासना करती हैं, उनसे उनका फल मिलता है। और जिनको शारीरिक कोई बीमारी हो, क्षय रोग वगैरह इस तरह के समस्याओं में भी सूर्य की उपासना करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है, इस वजह से सूर्य उपासना किया जाता है। ये सूर्य उपासना पौराणिक कालों से चला आ रहा है। जैसे आप लोगों ने हर पूजा से पहले देखते होंगे कि अर्घ्य देने का व्यवस्था है, सूर्य के अर्घ्य दिया जाता है। तो आज ये दिन जो दिवाली के 6 दिन तक जो होता है सूर्य के, जिसमें छठी मैया का जो वर्णन है उसको लेकर के आज विशेष अर्घ्य जो होता है साल में एक दिन, वो आज अर्घ्य दिया जाता है। सबसे पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इस विश्वास के साथ कि ये जो आज दिन भर हमें आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं, कल इसी ऊर्जा के साथ हमारे पास हमारे परिवार के ऊपर फिर से आएंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले डॉक्टर वर्षा उपाध्याय, छठ पर्व का क्या महत्व? सबसे पहले तो छठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। छठी माता जो थी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और संतान की वृद्धि के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए छठ व्रत की। छठ पर्व है, देश मना रहा है, आप टंकेश्वर में है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम व्रत कर रहे हैं। हम व्रत इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे बच्चे, फैमिली बच्चा सब स्वस्थ रहे, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि